नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं शादाब अली और क्रिकेट टुडे में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। विराट कोहली बोले, विरोधी टीमों में डर पैदा करना था मकसद। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का कहना है कि एक समय ऐसा भी था जब वे बल्लेबाजी के लिए उतरते थे तो विपक्षी खेमे में उनके प्रति कोई भय या सम्मान नहीं होता था, इसलिए उन्होंने 2012 से अपने खेल में बदलाव किया। कोहली ने बताया कि 2012 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, जिससे वे अपने खेल में सुधार करने में सफल हो पाए। अनिल कुंबले ने जसप्रीत बुमराह की जमकर की तारीफ। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बुमराह को इस सदी का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुमराह में बेहतरीन कंसिस्टेंसी है, वह जानते हैं कि विकेट कैसे लिए जाते हैं। कुंबले ने कहा कि मुझे लगता है कि बुमराह इस खेल को सीखने वाले शानदार स्टूडेंट हैं। कगिसो रबाडा जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर के गेंदबाजी के हुए मुरीद। दक्षिण अफ्रीकी टीम के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर और भारतीय टीम के यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा बयान दिया है। रबाडा ने कहा है कि मुझे ये दोनों गेंदबाज बेहद पसंद हैं और ये दोनों शानदार गेंदबाजी करते हैं। बता दें कि आर्चर और बुमराह ने वर्तमान समय में विश्व क्रिकेट जगत में अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचाया हुआ है। कीरन पोलार्ड बने वेस्टइंडीज की T20 और वनडे टीम के कप्तान। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जेसन होल्डर और कार्लोस ब्रैथवेट को क्रमशः वनडे और T20 टीम के कप्तानी पद से हटा दिया है। अब विंडीज क्रिकेट बोर्ड ने स्टार ऑलराउंडर कीरन पोलार्ड को सीमित ओवरों की टीम का कप्तान बनाया है। बता दें कि यह फैसला हाल ही में इंग्लैंड में संपन्न ICC विश्व कप 2019 में वेस्टइंडीज के लचर प्रदर्शन के बाद लिया गया है। मैनचेस्टर टेस्ट को जीतने के बाद बोले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में रविवार को इंग्लैंड को 185 रनों से रौंदने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने कहा है कि उनकी टीम इस जीत की हकदार थी। उन्होंने कहा कि वे इस जीत से बेहद खुश हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूदा एशेज सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है।